ये है भाई सबसे बड़ा रूम। अरे भाई साहब इसका वॉशरूम कितना बड़ा है। तो भाई ये है सबसे ज्यादा मस्ती चीज, मस्ती जगह। हम लोगों को एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पर ऑल फूड इंक्लूडेड हो। तो सर भाई शीशे बाहर आ गए क्या? नहीं। ये है भाई सबसे बड़ा रूम, ठीक है। अब इसका प्राइस आप लोग गेस कर ही सकते हो। नहीं वेरी गुड मॉर्निंग हर कैंट चैनल तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ मेलबर्न की सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रेश न्यू प्रॉपर्टी स्टूडेंट अकोमोडेशन स्केप विक्टोरिया स्ट्रीट। तो हाँ भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जाके आप लोग दबा सकते हो एंड वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, होगी स्टार्ट, ठीक है। इस वीडियो में पूरा मैं आप लोगों को नया स्टूडेंट अकोमोडेशन दिखाने वाला हूँ जो कि है विक्टोरिया स्ट्रीट पे, बिल्कुल मेलबर्न सीबीडी के अंदर, मतलब थोड़ा सा इधर हो जाता है, समझ गए ना। इसके आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी एग्जिस्टिंग है, जो लोग सोच रहे हैं हम लोगों को एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए तुषार भाई जहाँ पर ऑल फूड इंक्लूडेड हो, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है ना। घर आओ खाना रेडी, घर से जाओ खाना रेडी, घर पर हो खाना रेडी, मतलब टाइमिंग्स होती है उनकी, ठीक है। बट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर विल बी इंक्लूसिव इन योर पैकेज व्हेन यू गेट इनटू दिस प्रॉपर्टी। एंड इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि बिल्कुल नए नए बहुत सुंदर सुंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं अंदर एंड प्राइसिंग वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा और हाँ चलते हैं अंदर। तो मैं आप लोगों को पहले बाहर का दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक करोमी कैफ़े है, नॉर्मल सा लोकल सा कैफ़े है। सामने पैकेट सेंड है और उस साइड शायद से ग्रोसरीज है। हाँ वहाँ पर वॉन्ड स्मार्ट है, छोटा सा वहाँ पे ग्रोसरी बना हुआ है भाई छोटा पीरा। तो अगर आप लोगों को फिर भी चुलोरी हो कुछ बनाने की, खुद से खाना तो मिलेगा ही बट नॉर्मल ग्रोसरीज चाहिए हो, कभी लगाओ टूथपेस्ट खत्म हो गया ना कुछ तो सामने से आप लोग जाकर ले सकते हो। और हाँ आजकल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है भाई, हर इंस्पेक्शन पे अगर आप लोग सिटी में घर लेते हो या सिटी के इन एंड अराउंड घर लेते हो 50-50 लोग, 20-20 लोग, 30-30 लोग आ ही रहे हैं और फिर हम लोगों को डर बैठा रहता है कि भाई हम एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। यहाँ पर अगर आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल की वेबसाइट से अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली भाई एक्सेप्ट तो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि हमको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों को रूम्स दिखाता हूँ कैसे रूम्स हैं। ये भाई यहाँ पर रिसेप्शन है, पूरी सिक्योर्ड है, यहाँ पर टैप होता है तभी आप लोग अंदर जा सकते हो। तो भाई ये जो पूरा है ये है भाई सिटिंग एरिया, ठीक है। रिसेप्शन इधर पीछे आप लोगों को मैंने दिखाया अभी, ठीक है, स्लोमो में। तो ये पूरा यहाँ पर आप लोग आके बैठ सकते हो, जो आप लोगों को कोई भी टेंशन हो किसी दोस्त वगैरह से मिलना हो यहाँ पर आप लोग बाहर आके नीचे मिल सकते हो। ये नहीं कमरे में घुसाड़ दिया, कमरा हमारा गंदा रहता है ना भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो यहाँ पर आप लोग बाहर मिल सकते हो। यहाँ पर पूल टेबल लगी हुई है, बहुत रिलैक्सिंग है, अपने आप बैठो आराम से यहाँ पर। और ये पूरे सोफे वगैरह मस्त सारा लगा हुआ है, ये पूरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और ये बड़ी कूल सी है, इसमें बैठ के दिखाता हूँ। भाई मेरे वॉलेट चुभ गया पीछे, है तो बढ़िया ये। और यहाँ पर सारे मेल बॉक्सेस लगे हैं, आप लोगों ने कुछ सामान मंगाया बाहर से, डिलीवरी आई है तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वो डालनी होती है कोरियर्स या रेजिडेंस। तो आप लोग रेजिडेंट होगे यहाँ पे क्लिक करो, आप लोगों का पार्सल निकल के बाहर आ जाएगा। किसके अंदर कोड डलता है उसके बाद बाहर आएगा, ऐसे तो भाई कोई भी निकाल लेगा ना। तो आपके फोन पे SMS आता है, उससे आप लोग ऐसे पार्सल बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हर महीने नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, इस महीने के इवेंट का चार्ट ये वाला है, थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है, यू कैन सी विच इज़ गुड फॉर सोशलाइजिंग। तो भाई अभी चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है इसलिए यहाँ पर आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। ये देखो मतलब जब भी जो भी फेस्टिवल आ रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हर जगह पर डेकोरेशन हो जाती हैं। सारे रूम्स है, पूरा कॉरिडोर है। अभी हम लोग जिम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिम देखते हैं कैसा है। मतलब भाई यहाँ पर जिम की फीस लेके तो भाई मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्यों इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा बट थोड़ा अगर लोग को बताओ तो जिम की फीस $20 होती है एवरी वीक। अगर आप उसको 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया मैथ्स के हिसाब से, 22 टाइम्स मतलब $1,000 के करीब, ठीक है। आप लोगों की सिर्फ साल की जिम की फीस हो गई, बट अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लोगे तो आप लोगों को जिम की फीस
नहीं देनी पड़ेगी, है ना, सिर्फ रूम की देनी है, उसमें खाना सब कुछ इंक्लूडेड है भाई, कितनी मस्त सी चीज़ है। जिम भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा जहाँ तक हमको दिख रहा है, उसके आगे भी है पूरा, यहाँ पर जिम वगैरह है मस्त। अभी तो यहाँ पर गाने चल रहे थे, फिर मैंने बोला थोड़ा सा धीरे कर दो, थोड़ा कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसे दिखते हैं हम जब व्लॉग बना रहे होते हैं ना, ऐसे टी शर्ट कैसी लग रही है मेरे को किसी ने, वो तो शार भाई वही टी शर्टें पहन रहे हो, वही टी शर्टें पड़ी है मेरे पास, बट मेरे को होता है ऐसा कोई कहीं अच्छी जगह जाए तभी पहनेंगे ना, नहा धो के। अब आज पहन ली मैंने, मार लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। तो भाई ये है सबसे ज़्यादा मस्ती चीज़, मस्ती जगह, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं फोर्थ फ्लोर पर, ये पूरा आप लोग पीछे सिटिंग एरिया देख रहे हो, दिख रहा है ना, हाँ पीछे किचन के स्लैब है और अंदर उधर किचन है। ये वो जगह है भाई जहाँ पर पेट पूजा होगी 3 times a day, ठीक है। ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा कूल मेरे को इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर भाई खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बाहर बाहर से प्रेफर करते हैं, एक आदमी बाहर से खा ले, बट भाई कितना खा लोगे यहाँ पर रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में, है ना। यहाँ पर आप लोगों को खाना मिलेगा मस्त मस्त सा, क्यूजीन का मेन्यू तो मेरे पास नहीं है बट मेरे को आई एम अज्यूमिंग इट्स गोना बी रियली नाइस फूड। प्लस यहाँ पर सिटिंग हो रखी है, बाहर भी सिटिंग हो सकती है, नीचे सिटी व्यू आएगा, ठीक है। और पूरा वहाँ तक पूरा सिटिंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये देखो, यहाँ पर ये सारी हॉट प्लेट्स लगी हुई है, सारी ब्रेड की मशीन, कॉफी मशीन, मतलब डेली आप लोगों को ऐसे बफे लगेगा यहाँ पर। ये देखो ये पूरी किचन है पीछे। अभी तो शार भाई अंधेरा क्यों है, बच्चे क्यों नहीं है? तो भाई अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, मैं आके यहाँ पे सबसे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे इसकी ओपनिंग होगी अभी डेट पूछ के बताऊंगा, तो उसके बाद यहाँ पर सब आ सकते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले रूम में, प्राइस बताऊंगा पहले रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई बेड लगा हुआ है, बाहर आप व्यू देखो, यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा सुंदर है भाई। आप लोग सुबह सुबह उठे भाई, मस्त सा व्यू है बाहर का। यहाँ पर शेल्फ लगी हुई है, ठीक है, यहाँ स्टडी टेबल लगी हुई है और यहाँ पर अलमारी लगी हुई है, अलमारी अलमीरा जो भी बोलते हैं। यहाँ पर वॉशरूम है, ये खोला, ये वॉशरूम है, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा भाई, नहा लूँ क्या? आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि मैं नहीं नहाया हूँ, तो सही लग रहा नहा ले गया पीछे जाके। तो भाई इस वाले जो रूम का प्राइस है वो अगर आप लोग फुल ईयर के ले लेते हो तो $619 फॉर 1 week, ठीक है, पर वीक है, एक साल के लोगे। अगर आप लोग सेमेस्टर वाइज लोगे तो $659 ईच वीक। तो सर भाई आपने पहले वीडियोज बनाई थी वहाँ पर, तो आपने 350-400 वाले घर दिखाए थे, 600 वाला क्या हो गया भाई एकदम से? भाई प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। हम जिस घर में रह रहे थे उन्होंने भी भाई $65 पर वीक रेंट बढ़ा दिया सीधा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि भाई मेलबर्न सिटी के अंदर है, मेलबर्न सिटी और मेरा कैंपर, ये भाई मेलबर्न सिटी के अंदर है, प्लस इसके अंदर खाना इंक्लूडेड है, इसके करके ये थोड़ा सा स्लाइटली ऑन अ हायर प्राइस है अदर अकोमोडेशन के लिए। बट आप लोगों को फैसिलिटीज भी तो मिल रही है, आप लोगों को जिम मिल रहा है भाई, सबसे मेन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को खाना मिल रहा है 3 times का, आप लोगों को और क्या चाहिए। अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को और रूम्स दिखाता हूँ। यार भाई 619 पर भी पैसा पेड़ पे आ रहा है क्या? $2500 हम इसी का देते भाई। अगर आप लोग ग्रोसरी का मोटा मोटा हटा लोगे ना और खाना बनाने का टाइम वो सब, तो समझ रहे हो ना, फिर मतलब ये रहता है कि अगर इतना खर्चा हो ही रहा है मालिक तो थोड़ा सा और सही। इस वाले रूम में भाई बालकनी भी है, इस वाले रूम, ये वाला रूम पिछले वाले से बड़ा है और ये ज्यादा सुंदर है, वो भी सुंदर था, ये भी सुंदर है। यहाँ पर आप लोग भाई ये देख सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेशियस सा बेड लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है सामने, और ये देखो यहाँ पर इसका ये वॉशरूम है। ये वाला मैट लेकर आना मेरे को, सुंदर है ये भाई वॉशरूम है, ठीक है। इसकी जो अलमारी है ये बड़ी है उस वाले से, उसमें सिर्फ सिंगल था, इसमें डबल है, और यहाँ पर बालकनी भी है इसमें। इसकी अगर मैं रेंट की बात करूँ तो फुल ईयर का प्राइस है $659 पर वीक, और अगर आप लोग सेमेस्टर के लिए एनरोल करोगे तो $699 पर वीक। ये पता नहीं क्या कौन सी बिल्डिंग है, ट्रेड्स हॉल। तो सर भाई बिल्डिंग है तो दिख नहीं रही, और अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी अच्छा लगा तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन अंदर यूनिवर्सिटी लिविंग का एक लिंक, अरे भाई कैमरा मेरा, तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन अंदर यूनिवर्सिटी लिविंग का एक लिंक है, ठीक है, वो जाके आप लोग क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आप लोग की प्रॉपर्टी चेकआउट कर सकते हो। आप लोग इंडिया से बैठे बैठे ये बुक कर सकते हो कि जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी रेडी रहे, किसी के ऊपर भाई डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा यहाँ पर आके रह सकते हो, यू एक्सप्लोर अराउंड लिव। यहाँ पर साइड में मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट भी है भाई, थाईलिशियस, ठीक है, जहाँ पर हम लोग थाई फूड खाने जाते हैं। तो हाँ अभी और रूम चेकआउट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुंदर मेरे को लगा। यहाँ पर भाई लॉन्ड्री लगी हुई है, हर फ्लोर की अलग है, यहाँ से भी व्यू बढ़िया है, वो खड़ी अपनी गाड़ी नीचे। तो भाई हम लोगों ने किचन तो देखी थी, ये है कम्युनल रूम, यहाँ पर स्टडी है, किचन स्पेस है और बैठने का, यहाँ पर दोस्ती कर सकते हो आप लोग नए नए और भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, हर तीन फ्लोर पर, हर मतलब तीन तीन फ्लोर कनेक्टेड है, पूरी सीढ़ियाँ जा रही है ना,
तो यहाँ पर बैठ सकते हैं वहाँ। तो ये वाला जो अगर हम लोग रूम देखें तो ये वाला है जो सबसे पहले देखा था ना, उससे सस्ता है क्योंकि इसके सामने से ये बिल्डिंग है एक, इसलिए $609 है। मतलब खाना वगैरह सब कुछ इसमें भी इंक्लूडेड है, बट इसके अंदर व्यू थोड़ा सा नहीं है तो इसमें $10 कम है। व्यू वाला चाहिए तो जो सबसे पहले दिखाया था वो वाला। बाकी सही है भाई, मेरे को तो बढ़िया लगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट फायदा यही होता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में, यूनिवर्सिटी आसपास होती है, आप लोग वॉक करके 2-4 मिनट की वॉक जा सकते हो। ये है भाई सबसे बड़ा रूम। और भाई साहब इसका वॉशरूम कितना बड़ा है। ये है भाई सबसे बड़ा रूम, ठीक है। अब इसका प्राइस आप लोग गेस कर ही सकते हो, नहीं कर सकते मैं बताता हूँ, $819 पर वीक। काफी ज्यादा स्पेशियस रूम है। और मैंने लोगों से भी पूछा, अगर आप लोगों को 2 लोगों को एक साथ रहना है यहाँ पर तो शायद से कुछ प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि भाई फूड इंक्लूडेड है ना, तो ये एक बंदे के हिसाब का ही है। बट अगर आप लोग 2 लोग यहाँ पर रहने का सोचते हो तो यू हैव टू पे स्लाइटली हायर प्राइस, ताकि आप लोगों का जो फूड है ना वो एक को फ्री में ना मिले। मतलब फ्री में तो ये भाई मच्छर भी नहीं काटता तो वो भी खून लेकर जाता है, तो फ्री में तो कुछ है नहीं, इसलिए यू हैव टू पे स्लाइटली एक्स्ट्रा प्राइस टू गेट इनटू दिस प्रॉपर्टी। मतलब कपल वगैरह हो गया है ना, तो ये 2 लड़के हो गए उनको रहना साथ, तो वैसा सीन है। भाई हम लोग देखते हैं सिनेमा एंड गेम्स रूम। सारे बीन बैग्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और इसके साइड में ही है भाई गेम्स रूम। यहाँ पर अभी टीवी लगेगा, ये लोग बोल रहे हैं, जैसे PS वगैरह लग गया, यहाँ पे खेल सकते हो। अब भाई मेरी आंख बंद होंगी, ये है भाई पूरा रूफटॉप, ठीक है, पूरा बहुत बड़ा सा एरिया भाई ये भी। मैं तो हैरान हो गया भाई, इतना बड़ा बड़ा सौदा कैसे मिल गया सिटी के अंदर, इतना बड़ा रूफटॉप। यहाँ पर एस्केप लगा पीछे, बहुत बड़ा सा स्पेस है कॉमन, शाम को यहाँ बैठो यहाँ पे मस्त। और भाई भगवान कसम गर्मी बहुत है आज, मेरा तो अभी AC से ऊपर आया ना, ऐसे सिर सर दर्द होने लग गए, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं यार। हॉट प्लेट्स लगी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में बारबेक्यू कल्चर बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर अभी तो गर्म नहीं है, बट यहाँ पर आप लोग सॉसेजेस वगैरह जो भी आप लोगों को खाने हैं वो खा सकते हो, बर्गर बना सकते हो यहाँ पर, यहाँ बैठ सकते हो बाहर। छुट्टी का टाइम है, कोई सीन नहीं बना बाहर जाने का, दोस्तों ने काट दिया, छत पे आके बैठ जाओ। तो भाई ये थी पूरी प्रॉपर्टी, मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दी आप लोगों को, और भी चेकआउट करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिवर्सिटी लिविंग का लिंक है, जाके आप लोग वहाँ से प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो इफ़ यू आर इन मेलबर्न, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू मेलबर्न तो यू कैन स्टे इन वन ऑफ स्केप्स प्रॉपर्टी जो कि ये वाली है, ठीक है, विक्टोरिया स्ट्रीट। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, प्लस इसके अंदर ऑल फूड इंक्लूसिव है, एंड दिस प्लेस हैज अमेनिटीज लाइक नो अदर। इतने बड़े बड़े रूम्स है, इतनी सारी मैंने आप लोगों को फैसिलिटीज दिखाई, सिनेमा जिम सब कुछ, और सेंट्रल लोकेशन है भाई मेलबर्न के अंदर, प्लस अमेजिंग स्टूडियोज तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए। तो मेरा फोन गिर गया। तो अगर आप लोग वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देने को, सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में। लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड।